अनुष्का शर्मा एंड वरुण धवन स्टारर स्वी धागा का ट्रेलर इज आउट। वह गुंजन, ट्रेलर के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सब बढ़िया है। वरुण धवन की एक्टिंग बढ़िया है, अनुष्का शर्मा का नॉन ग्लैम अवतार, डी ग्लैम अवतार बहुत बढ़िया है, एंड मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि किस तरह से एक बंदा जो कि अपनी लाइफ में कुछ भी काम कर रहा होता है, उसकी वाइफ उसे मोटिवेट करती है दैट यू नो स्टार्ट डूइंग अ रिस्पेक्टेबल जॉब, किसी का नौकर बनने की जरूरत नहीं है। किस तरह से एक बंदा जो नौकरी कर रहा होता है वो अपनी खुद की एंटरप्राइज खोलता है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। सो स्टोरी इज वेरी गुड, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस मूवी को प्रमोट करने के लिए कोई टाइम पास डांस नंबर भी नहीं डाला गया अभी तक। बिल्कुल, द स्टोरी रियली हिट्स होम, एज इन दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरी जो हम अपने आसपास देखते हैं। हर गली कूचे में हम लोग को एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी बनती हुई दिखती है, बट व्हेन इट्स पुट ऑन द बिग स्क्रीन इट रेजोनेट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, एंड व्हेन इट डज दैट्स द रीजन व्हाई पीपल विल कम टू द सिनेमा हॉल। एंड दिस इज वन मूवी ऑल्सो फॉर हाउ रियलिस्टिक बोथ द कैरेक्टर्स लुक, एज इन वरुण धवन हैज डन कैरेक्टर्स लाइक दीज बिफोर। या आई मीन बद्रीनाथ की दुल्हनिया में उन्होंने ये एक्सेंट में बात करी थी, बट अनुष्का शर्मा इन अ डी ग्लैम अवतार स्टिल शी इज किलिंग इट। या लाइक मुझे एक पर्सन लगा, अनुष्का शर्मा इज अ लिटिल बेटर एट कन्विंसिंग मी दैट शी इज दैट बहू हु डजंट नो हाउ टू बी इन दैट हाउस एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ द हस्बैंड एंड हाउ टू डू दैट। वरुण धवन आई एम स्टिल वार्मिंग अप टू बिकॉज प्रॉब्ली हैव सीन इनफ ऑफ हिम इन द सेम रोल्स, बट इट लुक्स लाइक वन ऑफ दोज मूवीज जिसके लिए देखकर आना तो पड़ेगा। एंड गुंजन, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी जो कि मुझे लगा अभी तक ट्रेलर से समझ में आया दैट It is a very inspiring story, yeah. right? It's not a biopic या फिर किसी की life पे बनी हुई है, but it will somehow inspire you कि अगर life में कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ हारने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ना कुछ जरूर बना सकते हो। It's all you need is motivation in life, right? Absolutely. So for that inspiring story right there, we are very excited for it to hit the screens. When is it hitting the screens? Well, 28th September is the date, and I just hope Anushka and Varun will create some magic at the box office.